दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाला अमेरिका भी किसी समय गुलाम हुआ करता था। सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर ब्रिटिश राज था और लोगों पर खूब अत्याचार होते थे। जिस तरह से अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों का शोषण होता था, उसी तरह नेटिव अमेरिकन्स को भी सहन करना पड़ता था। इसके चलते ब्रिटिशर्स और अमेरिकियों में टकराव बढ़ा और 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन कर खुद को आजाद घोषित कर दिया। इसी दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इसकी एनिवर्सरी पर आइए जान लेते हैं कि कैसे थे अमेरिका के गुलामी के दिन और इसे कैसे आजादी मिली। भारत समेत अन्य देशों की तरह अमेरिका को भी ब्रिटेन ने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा था। ब्रिटेन ने दुनिया के करीब 80 देशों और आइलैंड पर शासन किया। ब्रिटिश साम्राज्य में दुनिया के करीब 26% इलाके इसके अधीन थे। इसमें अमेरिका देश भी शामिल था। आज भी लोगों को सुनकर आश्चर्य होता है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा है। हर साल 4 जुलाई के दिन अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होने का ऐलान किया था। इसी के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई थी। इस बार 4 जुलाई के दिन अमेरिका 248वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, जिसे 13 कॉलोनीज कहा जाता है, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट द्वारा बसाया गया था। ये 13 कॉलोनिस्ट मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट पर स्थित थे। मेनली प्रेजेंट मेन से लेकर जॉर्जिया तक फैले हुए थे। इन कॉलोनिस्ट में मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, न्यू हैम्पशायर और रोड आइलैंड शामिल थे। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में कॉलोनियां बसी हुई थी जिस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। लेकिन अप्रैल 1775 में कुछ उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से पूरी आजादी की इच्छा जताई, जिसके बाद अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। शुरू शुरू में आजादी चाहने वाले उपनिवेशों को कट्टरपंथी के रूप में देखा जाता था, लेकिन एक साल के अंदर ही कई और उपनिवेश स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हो गए थे। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत आने के लिए यूरोप से निकला था, उस वक्त वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। इसके बाद कोलंबस ने अपने लोगों को नए द्वीप के बारे में बताया था। इसके बाद ब्रिटिश लोग सबसे ज्यादा तादाद में उस आइलैंड पर पहुंचकर अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। भारत की तरह अमेरिका पर भी ब्रिटिश ने अत्याचार किए थे। इससे ब्रिटिश ऑफिसर्स और अमेरिकियों के बीच टकराव पैदा होने लगा था। जब ब्रिटेन में जेम्स फर्स्ट का शासन था और अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशक साम्राज्य की नींव उसी के शासनकाल में रखी गई थी। कोलंबस से मिली सूचना के आधार पर इस नए द्वीप यानी अमेरिका पर ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियां बना ली थी। इन सभी को चीनी, चाय पत्ती, कॉफी और स्पिरिट जैसे सामान इंपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। साथ ही आम लोगों तक को अंग्रेजों का अत्याचार झेलना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका की मूल निवासी जनता यानी रेड इंडियन के बीच अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते डिससेटिस्फैक्शन के कारण अमेरिकियों ने ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने का फैसला लिया और ब्रिटिश कॉलोनियों से अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। तब तारीख थी 2 जुलाई 1776। अमेरिका का पहला चुनाव 1789 में हुआ था, जब जॉर्ज वॉशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये थी अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की कहानी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।